गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 इंग्लिश में बिहार बुक से अध्ययन कर रहे थे। तो लेसन 2 द साउंड ऑफ म्यूजिक यानी संगीत की ध्वनि। संगीत की ध्वनि, इसके लेखक हैं डिवॉर क्लो, इसमें एवलिन गिलेनी लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट, इसका पार्ट 1 आपको पढ़ाऊंगी। एक लड़की है, उसका नाम एवलिन गिलेनी है, वो आवाज को बिना ध्यान से सुनती है। गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग बट ही हैज गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी फॉर मोर डीपली दैन एनी ऑफ अस। ईश्वर ने उस लड़की की श्रवण शक्ति ले ली थी, किंतु उसे कुछ विशेष असाधारण चीज दी थी। रीड द फॉलोइंग अकाउंट ऑफ द पर्सन हु फॉट अगेंस्ट अ फिजिकल डिसेबिलिटी एंड मेड हर लाइफ अ सक्सेस स्टोरी। एक इस लड़की का वर्णन आपको बता रही हूँ कि वह शारीरिक अयोग्यता के विरुद्ध उसने संघर्ष किया और अपने जीवन को सफल बनाया। तो चलते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स पे। टेक्स्ट बुक क्वेश्चन एंड आंसर्स, आंसर्स दीज क्वेश्चंस इन अ फ्यू वर्ड्स और ए कपल ऑफ सेंटेंस ईच। आपको प्रश्न के उत्तर जो है देने हैं कुछ शब्दों में। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ ओल्ड वॉज एवलिन। व्हेन शी वेंट टू द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक, एक संस्था है संगीत की जिसका नाम है रॉयल एकेडमी, ठीक है। तो एवलिन की उम्र कितनी थी जब वह रॉयल एकेडमी उसने ज्वाइन किया? आंसर, एवलिन वॉज ओनली 17 मतलब 17 इयर्स ओल्ड व्हेन शी वेंट टू द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक। एवलिन 17 साल की थी जब उसने रॉयल एकेडमी नामक संगीत की संस्था को ज्वाइन किया। क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन वॉज हर डीफनेस फर्स्ट नोटिस्ड, कब, व्हेन का मतलब होता है कब, डीफनेस यानी उसके बहरेपन को पहला नोटिस किसने किया और कब किया। व्हेन वॉज इट कंफर्मड, कब ये कंफर्म हुआ कि वो इस बीमारी की शिकार है। आंसर, एवलिन डीफनेस वॉज फर्स्ट नोटिस्ड बाय हिज मदर। एवलिन की माँ ने उसे नोटिस किया जब वह 8 इयर्स मतलब 8 साल की थी। She was Evelyn years 11 years old when it was confirmed. जब वह 11 साल की हुई तब उसकी पुष्टि हुई कि वह इस बीमारी की शिकार है by a specialist, उसे उसके पास ले जाया गया। He said her hearing was severely damaged, मतलब वह सुन नहीं सकती। Answer each of the these questions in a short paragraph, 30 and 40 words. मतलब आपको जो उत्तर देना है वो छोटे 30 और 40 शब्दों में देना है। Question number 1, who heard the continue with music, what did he do and sing? Who heard मतलब कौन, म्यूजिक में उसकी मदद किसने की? Person, fist, drone, Pops helped her to continue with music. He said he had two large drums and
and said to her, "Don't listen through ears, but try sense it some other way." Indeed, she was able to sense the vibrations in her body. यानी वो तो सुन सकती नहीं थी, लेकिन तब भी उसने इस चीज की कोशिश की कि दो ड्रम को लेके और उसको बजाया जाए तो वह उसको अपने असाधारण शक्ति से सुन पाए. क्वेश्चन नंबर टू, नेम्स ऑफ वेरियस प्लेस एंड कॉजेस फॉर विच एवलिन परफॉर्मेंस. मतलब उन स्थानों के नाम बताइए जहां एवलिन अपना परफॉर्मेंस देती है. आंसर, एवलिन गिव्स प्री परफॉर्मेंस यानी प्रस्तुतिकरण इन प्रिजन्स यानी जेल एंड हॉस्पिटल्स. वह अपना प्रस्तुतिकरण जेल में और हॉस्पिटल में करती है. शी ऑल्सो गिव्स परफॉर्मेंस प्रिफरेंस टू द क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियंस. मतलब जो नए जो संगीत तज्ञ हैं उनको वह प्रेफरेंस देती है. आइए बच्चों, आपको डिफिकल्ट वर्ड्स इस जो लेसन में कुछ वर्ड्स हैं तो उसके लिए बताते हैं. एच ई ए आर आई एन जी, हियरिंग. हियरिंग यानी होता है सुनना. एन ई आर वी ओ यू एस, नर्वस. नर्वस होना मतलब उदास होना. जी आई बी ई, गिव. यू पी अप, मतलब एक्सेप्ट डिफीट, स्वीकार. एक्स वाई एल ओ पी एच ओ एन ई, मतलब ज़ाइलोफोन. ये एक प्रकार का वाद्य यंत्र है जो लकड़ी में बना होता है. नेक्स्ट है एस ई एन एस ई, सेंस. फील, फील मतलब अनुभव होना. नेक्स्ट एच आई एन टी, हिंट. स्लाइट इंडिकेशन, हिंट मतलब किसी भी चीज को बताना. नेक्स्ट एच ई सी टी आई सी, हैटिक यानी वेरी बिजी, बहुत व्यस्त. ओ ए यू जी आई ई एन सी ई, ऑडियंस. ऑडियंस मतलब असेंबली ऑफ हियर्स यानी सभा. ओके, तो आपने आज डिफिकल्ट शब्दों के स्पेलिंग को सुना और अर्थों को समझा. ठीक है बच्चों, आपको कॉपी में अपनी नोटबुक में आपको ये सब नोट कर रहे हैं, क्वेश्चन आंसर और डिफिकल्ट वर्ड्स, और प्रैक्टिस करनी है. एक एक वर्ड्स की आपको 5-5 times प्रैक्टिस करके कॉपी में लिखना है और क्वेश्चन आंसर याद करना है. थैंक यू सो मच.